हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू मेरे कनेक्टेड डेली हेल्थ अपडेट्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है इरिटेबल बोवल सिंड्रोम यानी कि IBS। तो आज हम जानेंगे कि IBS होता क्या है, कैसे हो जाता है ये, और इसके सारे लक्षण कैसे होते हैं, और ये किस तरीके से हम इससे छुटकारा पाया जा सकता है, क्या डाइट हमें लेना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नुस्खे ले कर सकते हैं जिससे हमें इससे रिलीफ मिले। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि IBS यानी कि इरिटेबल बोवल सिंड्रोम जो है ये एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है और ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को अटैक करती है। तो जब हमारे जो स्टूल्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं और इंटेस्टाइन्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, प्रॉपर नहीं होता है, और अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो हमारे स्टमक में इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है और इसी इरिटेशन को हम इरिटेबल बोवल सिंड्रोम कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोशंस जो है वो रुक जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, या फिर हमें डायरिया हो जाता है। तो इसके क्या क्या लक्षण हैं? कॉन्स्टिपेशन, पेट में सूजन, पेट का फूलना, बहुत ज़्यादा पेट दर्द करना, बार बार आपको प्रेशर आता है लेकिन आपको मोशंस नहीं होते, बार बार आपको यूरिन की फीलिंग आती है लेकिन आप यूरिनेशन नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा ये होता है कि किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है बट किसी किसी को डायरिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसके अन्य लक्षण हैं जैसे कि पेट दर्द, सर दर्द, और आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, आप बहुत चिड़चिड़े सा स्वभाव हो जाता है, क्योंकि जब हमारा शरीर अंदर से ठीक नहीं होता तो ऐसा होना बहुत लाजमी है। तो अब ये तो सारे लक्षण हो गए, लेकिन अब ये होता कैसे है आइए हम जानते हैं। देखिए, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम है इसका जो मेन रीजन है तनाव, सही टाइम पे खाना नहीं खाना, बहुत कम पानी पीना, बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, बहुत ज़्यादा तला भुजा खाना खा लेना, बहुत प्रोसेस्ड फूड या फ्रोजन फूड जिनको हम तल के यूजुअली स्नैक्स के रूप में ले लेते हैं उनका खा लेना, अल्कोहल बहुत लेना या स्मोकिंग करते रहना और खाना ढंग से नहीं खाना और नींद पूरी ना होना, इन सब कारणों के कारण जो हमारे मोशंस हैं वो हार्ड हो जाते हैं और जो इंटेस्टाइन है वहाँ जाके स्टक हो जाते हैं और फिर वो पेट में इरिटेशन कॉज करते हैं। सो अब इससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, अब हम इसके लिए, इसको क्योर करने के लिए क्या करें, क्या खाएं, डाइट में किस चीज़ को शामिल करना चाहिए या किस चीज़ को हटा देना चाहिए, सारे डूज एंड डोंट्स मैं आपको समझाती हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, पहली चीज़ है वर्कआउट। वर्कआउट, वॉक, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जो भी जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हों आप करिए, क्योंकि हम सब जानते हैं एक हेल्दी बॉडी के लिए एक फिजिकल एक्सरसाइज, दिन भर में एक फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे एक तो आपका स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा, आपको अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा लाइट फील करेंगे, एंजाइटी लेवल कम हो जाता है और ये आपको हेल्दी रखता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आधा घंटा निकालिए और एक्सरसाइज करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है अच्छा भरपूर पानी पीना, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, अंदर से आपका गट सिस्टम जो है वो क्लीन रहेगा और आप हल्का महसूस करेंगे, आपका पेट भी प्रॉपरली साफ होगा। जो नेक्स्ट चीज़ आती है डाइट, एक बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुई, किसी भी चीज़ की अति और किसी भी चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। इसका रीज़न ये है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले लिया, बहुत ज़्यादा फाइबर ले लिया तो उसके कारण प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, या बहुत कम मात्रा में ले लिया तो हम अनीमिक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम दुबले पतले हो जाएंगे या कुछ हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए एक बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें किस तरह की डाइट होनी चाहिए, फाइबर डाइट। तो दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि फाइबर यानी कि रेशेदार फल, सब्जियां, रेशेदार खाना, लेकिन ये दो तरह का होता है जो कि हम सब नहीं जानते हैं। तो ये दो तरह का होता है, यानी कि सॉल्युबल फाइबर होता है और एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर में वो सारी चीज़ें आती हैं जो पानी में घुल जाती हैं, अंदर जाके जेल बनाती हैं और इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं और मोशंस क्लियर पास हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाते हैं, इंटेस्टाइन में फंस जाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते और हमारे मोशंस को हार्ड बना देते हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि सॉल्युबल फाइबर कौन कौन से होते हैं, जो सारी दालें होती हैं, एप्पल होते हैं, गाजर होती है, इसके अलावा जो मल्टीग्रेन्स होते हैं, ओट्स होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉल्युबल फाइबर में आती हैं, इन्हें हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। अगर आप सलाद भी रह रहे हैं तो आप 5-6 चीज़ें मिक्स करके लीजिए और कोशिश करिए थोड़ा सा इसको बॉयल करके बना लीजिए, अंकुरित अनाज का सलाद ज़्यादा बनाइए। अब जो इनसॉल्युबल फाइबर हैं, वैसे तो हम जानते हैं सलाद के मामले में सबसे ज़्यादा अगर लोग कुछ लेते हैं तो ककड़ी हो गई, टमाटर हो गई, लेकिन सबको ये चीज़ नहीं पता है कि इनसे एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है। तो अगर इनसॉल्युबल फाइबर्स की बात करूँ तो सबसे पहले ककड़ी, टमाटर और फिर वीट, ये सारे जो होते हैं वो इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होती हैं और यही हमारे स्टूल्स को जो है वो हार्ड बनाती है और आपको इरिटेशन कॉज करती हैं। तो नेक्स्ट चीज़ अब जो हम बात करेंगे वो डाइट होगी ग्लूटेन फ्री डाइट। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्लूटेन फ्री डाइट। अब ग्लूटेन फ्री डाइट से मेरा मतलब है यानी गेहूं के रहित अनाज जिसमें ग्लूटेन यानी वीट बार्ली नहीं है। अब वीट से बना कोई भी प्रोडक्ट हो, यानी वीट की रोटी हो या वीट की ब्रेड हो या वीट के बिस्किट्स हो, कोई भी चीज़ या वीट की जो स्नैक्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर मिली हुई है या वीट का कुछ भी कोई भी आइटम है वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपका वजन भी बढ़ रहा है, आपको प्रॉपर मोशन नहीं हो रहे हैं या आपको लूज मोशन हो रहे हैं, सबसे पहले जो चीज़ हमें समझ में आ रही है इसको आप हटा दीजिए। पहले आप सोचेंगे कि पहले के लोग तो वीट ही खाते थे, ऐसा नहीं है, तब भी सब तरह के अनाज खाए जाते थे। पहले की जो लाइफस्टाइल होती थी वो आज की लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस भी हम बहुत ज़्यादा लेते हैं और इसी वजह से ये मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मल्टी ग्रेन्स लीजिए यानी कि होल ग्रेन्स। इनसे क्या होगा कि एक तो ये कब्जियत नहीं होगी और ये इजिली बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाएंगे। अंकुरित अनाज लीजिए, ये भी इजिली डाइजेस्टेबल है। तो ये सारे होल ग्रेन्स आपकी मदद करेंगे और आपको इरिटेबल बोवल सिंड्रोम से बचाएंगे। इसके बाद लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में आपको मैं समझाती हूँ। लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि मिल्क डाइजेस्ट नहीं होना। तो अगर मिल्क हम देखें तो बहुत से लोगों को होता है कि मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, अगर गर्म दूध ले लिया तो उन्हें एसिडिटी हो जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो और दूध लेना ही है किसी कारण से तो आप ठंडा दूध लीजिए, और इसके अलावा अगर मिल्क अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, वो बहुत अच्छी बात है। और उसकी जगह ऐसे प्रोडक्ट्स लीजिए मिल्क वाले जो इजीली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएं, जैसे कि दही हो गया। दही प्रोबायोटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जो कि अच्छा बैक्टीरिया होता है और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। फिर आप पनीर ले सकते हैं, आप बाकी आइटम्स जैसे कि चीज़ हो गया, क्रीम हो गया, चॉकलेट्स हो गया, इन्हें अवॉइड करिए क्योंकि ये IBS कॉज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो हमें वेट रिड्यूस करना है, अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट रिड्यूस करिए, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो इसको क्विट करिए, क्योंकि आपको अगर स्वस्थ रहना है दोस्तों तो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर कभी ले रहे हैं, कोई मजबूरी है, तो इसका बहुत मॉडरेशन में इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखें। इसके अलावा रेड मीट हो गया और जो बहुत ज़्यादा सी फूड है, कोशिश करें कि हम फिश लें उसमें से, और फिर हम चिकन लें, वाइट मीट लें और एग वाइट्स लें, एग योक, रेड मीट और मटन, इन सब चीज़ों को हम अवॉइड करें तो जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं, अगर आपको बाहर जा रहे हैं और आपको कुछ प्यास लग रही है तो सोडा या कोल्ड ड्रिंक के ऑप्शन की बजाय जो बेटर ऑप्शन है वो है नारियल पानी और बटर मिल्क। ये आपके टमी को ठंडा रखेगा, इंटेस्टाइन्स को भी ठंडा रखेगा, अंदर ठंडक पहुंचाएगा और एक तो आपको एसिडिटी कॉज नहीं करेगा। इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, मठा पीजिए, और आप हर मौसम में पी सकते हैं, इससे डरिए मत कि आपको कोल्ड हो जाएगा। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तो आप गर्मी में तो लेकिन आप ले ही सकते हैं, और ठंडियों में अपन दूसरे ऑल्टरनेटिव जैसे कि ग्रीन टी है उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। कैफीन, कॉफ़ी, टी, इन सबको बंद कर दीजिए। बहुत से लोगों की आदत होती है दिन भर में 5-6 कप चाय पीना, बार बार कॉफ़ी पीना, इनकी वजह से भी ये IBS की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस आदत को सुधार के ग्रीन टी ऑप्ट करें, और ग्रीन टी में हम थोड़ा सा जिंजर डालेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ग्रीन टी जो है वो स्ट्रेस रिलीवर है,
इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और आपके स्ट्रेस लेवल को सप्रेस कर देती है, डिटॉक्सिफाइंग होती है, तो वो बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। और अगर हम उसमें अदरक डालेंगे जो कि कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ लाता है, तो ये भी आपको बहुत मदद करेगा। इसके अलावा जो कुछ होम रेमेडीज में मैं आपको बताऊं तो अदरक बहुत हेल्पफुल है। आप दालचीनी अपने आप फ्रूट की स्मूदीज बना लीजिए ठंडे दूध की। अगर आपको गर्म दूध सूट नहीं होता आप ठंडे दूध को ऑप्ट करिए और ठंडे दूध में आप दालचीनी डाल लीजिए, फ्रूट्स डाल लीजिए, तो इनसे पेट में ठंडक रहेगी। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर एक फिट बॉडी चाहिए तो अच्छे से आपका सोना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से सही समय पे आप खाइए, मील्स को स्किप मत करिए, क्योंकि जहाँ आपने हमारी बॉडी ना एक सपोज एक कार है, अगर आपने उसमें फ्यूल नहीं दिया तो वो चलना बंद हो जाएगी और वो इरिटेट करेगी। इसी तरीके से हमारा स्टमक भी है, अगर उसको टाइम से खाना नहीं मिलता, हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी टाइम से नहीं मिलती है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और इस प्रॉब्लम का सलूशन है टाइम से खाना और सही तरीके का खाना खाना। जी हाँ दोस्तों, तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर हम इन सबको ध्यान में रखेंगे तो ये प्रॉब्लम से हम बहुत ज़्यादा रिलीफ पा सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस विषय से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।